सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ वेव्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट मतलब हम बहुत सारी वेव्स को कंसिडर कर रहे हैं जैसे हमने हाफ पेयर जोन्स कंसिडर किए थे तो कंजिव जोन्स के बीच में आपके पास फेस डिफ्रेंस है उस फेज डिफरेंस को भी आपने अकाउंट में लेना है और आपने रिजल्टेंट बताना है तो डिफ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ही सारी बातें हैं सपोज आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं सपोज़ क्या आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं और उनमें जो फेज डिफरेंस है वो ग्रेजुअली चेंज कर रहा है सबसे पहले हम मानते हैं स्टेप्स में चेंज कर रहा है स्टेप बहुत छोटा है इसमें कोई शक नहीं एंड स्टेप इज़ फाइ तो सपोज आपके पास एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड दैट इज ई ठीक है और फिर दूसरी वेव है जिसका फिर एम्पलीट्यूड सबका एम्पलीट्यूड ई e हमने कंसिडर किया है लेकिन ये जो सेकेंड है और जो फर्स्ट है इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है दिस इज फाइव फिर जो सेकेंड जो है और जो थर्ड है उसमें फर्दर फाइव इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड के बीच में टू फाइव सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पर जाऊं तो एक और फाइव आप इंक्रीज कर दीजिए टू फाइव का थ्री फाइव इन सोन इस तरीके से बात हो रही है अब मैं इनका क्या करने वाला हूं रिजल्टेंट करने वाला हूँ रिजल्टेंट बनाने वाला हूं ठीक है तो पॉलिगन लॉ लगता है ये भी आपने बता रखा है तो किस तरीके से आप पॉलीगन लॉ लगाते हो उसमें आप यही कि आपके पास जैसी वेव्स बता दी तो लास्ट में सपोज वी हैव पी नंबर ऑफ़ वेव्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो टोटलिटी में पी नंबर ऑफ़ वेव्स हैं तो पहले का एंगल और आपने आ, पहले की बात की और पहले और दूसरे के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ फाइव मतलब दूसरे का पहले के साथ फेज डिफरेंस दैट इज़ फाइव तो पी का पी माइनस वन एथ के बीच में फेज डिफरेंस की अगर बात की जाए वहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे दैट इज पी माइनस वन फाई टोटल अगर बात की जाए आपस में तो फाई होगा लेकिन अगर यहाँ से मैं लास्ट पी एथ तक पहुँचूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा पी माइनस वन और जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा आपके पॉलीगन लॉ लगेगा तो दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट ठीक है तो बहुत सारे वेक्टर्स आप एक किस्म से ऐड कर रहे हो और फाइनल रिजल्टेंट आप पॉलीगन लॉ से बता रहे हो दिस इज अवर एम सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सुप्रमपोजिंग वेव्स इज सुप्रपोजिंग वेव्स इज गिवन बाय पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कंसिडर पी वेव्स एम्पलीट्यूड हरेखा ई आपके पास है और जो इनिशियल फेजेस हैं ठीक है वो डिफरेंसेस की अगर टर्म में बात की जाए ज़ीरो फाइव टू फाइव ठीक है लास्ट में पी माइनस वन फाइव इस तरीके से बात हो जाएगी एंड ओ आर दैट रिप्रेजेंट्स ओ पी दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ओ पी दैट आर दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट और इस रिजल्टेंट को बताने की हमारी कोशिश है हम करते क्या हैं हम हर एक को रिजॉल्व करेंगे हमने दो एक्सेज बना ली म्यूचुअल पे पढ़ने के लिए एक्स एक्सेज एंड वाई एक्सेज और हर एक के कॉम्पोनेंट की बात करेंगे इसकी बात भी करेंगे इसकी बात भी करेंगे इसकी बात भी करेंगे रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होगा अलोंग एक्स एक्सेज एंड अलोंग वाई एक्सेस और वो कैसे आप अगर इस पहले की बात करें तो इसका अगर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सेज आप कंसिडर करोगे तो वो ई खुद निकल के आएगा बिकॉज इसका एंगल एक्स एक्सिस के के साथ क्या है? मतलब के क्या हो है जीरो मतलब एक्सिस इसका हो जाएगा एंगल ई sin फाई नेक्स्ट की बात करें तो ई e cos 2 फाई एंड ई sin 2 फाई ठीक है इसकी अगर बात करें तो इसके दोनों कॉम्पोनेंट की बात कर दी नेक्स्ट की बात करें तो ये एंगल थ्री फाइव हो चुका है तो ई कॉस थ्री फाइव एंड ई साइन थ्री फाइव हमने करना क्या है ये जितने भी वाई कॉम्पोनेंट्स हैं इनको ऐड कर देना और वो रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट बन जाएगा और जब हम इनको ऐड कर जाएंगे अलोंग x एक्सेस, तो आपके पास रिजल्टेंट का वो क्या बन जाएगा दैट विल बी एक्स कॉम्पोनेंट एंड सपोज वो रिजल्टेंट जो है वो एंगल कितना बना रहा है दैट इज बीटा ठीक है e r जो है वो एंगल कितना बना रहा है x एक्सिस के साथ दैट इज बीटा तो अलोंग x एक्सिस जो नेट कंपोनेंट होगा दैट विल बी e r कॉस बीटा ठीक है तो e r कॉस बीटा आपके पास क्या निकल के आएगा e r कॉस बीटा दैट विल बी टू द सम ऑफ द दीस थ्री दीस ऑल अलोंग x एक्सिस ठीक है और अगर मैं e r साइन बीटा की बात करूं तो ये ये जो y कॉम्पोनेंट आपके पास निकल गए हैं इनका एडिशन हो जाएगा तो रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं सो वी है, दू द कॉम्पोनेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारी चली है और पॉलीगन लॉ हम लगा रहे हैं तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसी चीज को बता रहे हैं अब तो अभी जो मैंने आपको बताया ई आर कॉस बीटा ये देख लीजिए एक्स जो कॉम्पोनेंट्स थे इन सभी का हमने सम कर दिया एंड तक जाएंगे ई कॉस पी माइनस वन फाइव तक और वाई कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो ई आर साइन बीटा ठीक है पहले का कोई कॉम्पोनेंट नहीं था फिर सारे आपने ऐड किए तो ये सारे साइन की फॉर्म में आएंगे ठीक है माइंड इट ये साइन यहाँ भी साइन कॉस नहीं साइन होगा एंड तक e साइन p माइनस वन फाइव तक जाएंगे दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू और बीटा आपके पास फेस ऑफ द रिजल्टिंग वेव ठीक है जो रिजल्टेंट है उसका फेज जो है दैट बीटा और अब हम क्या करते हैं वी मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू साइन फाइव बाय टू तो हम इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू साइन फाइव बाई टू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी टू साइन फाइव बाय टू यहाँ भी टू साइन फाइव बाई टू टू साइन फाइव बाई टू हर एक टर्म के साथ आ जाएगा तो वो जब इक्वेशन आपके पास डिवेल्प हो रही है तो वो आपके पास क्या देखिए टू साइन फाइव बाय टू और ई आर कॉस बीटा ये एज इट इज था ठीक तो ER है तो देख लीजिए ई आर कॉस बीटा एज इट इज है ई के साथ भी हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया टू साइन फाइव बाई टू ये ई जो है वो पहले का है फिर ई कॉस फाइव ठीक है, e cos फाई एज इट इज टू साइन फाइव बाई टू तो हर एक के साथ आपने टू साइन फाइव बाई टू मल्टीप्लाई कर दिया एंड तक आप ऐसा करते गए टू साइन फाइव बाई टू हर एक के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे हम आपको एक फार्मूला पता है वो क्या साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी डिडेड बाई टू ठीक है लेकिन आपको इस फॉर्म में दे रखा है टू साइन समथिंग कॉस समथिंग ठीक है तो अगर मैं कहूँ इट्स ए प्लस बी डिडेड बाई टू इट्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू सपोज इट्स सी एंड्स डी ठीक है तो ए प्लस बी अगर बात की जाए दट इज टू सी एंड ए माइनस बी दट इज टू डी ठीक है यह आपने पूरा सी मान लिया तो ए प्लस बी इज टू सी आपने पूरा डी मान लिया तो ए माइनस बीस टू डी आप अगर यहां से ए निकालना चाहें ऐड करके टू ए आएगा इट इज टू सी प्लस टू डी इसका मतलब है ए इज इकल टू सी प्लस डी और अगर सब्ट्रैक्ट करके देखें तो बी इज इक्ल टू सी माइनस डी तो ये भी चीज आ जाएगा मतलब आप उल्टा चलना चाहें तो उल्टा भी चल सकते हैं टू साइन सी कॉस डी दैट इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी ठीक है प्लस साइन सी माइनस डी तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और ये कहाँ कहाँ देखिए जैसे ये है आपके पास टू कॉस ठीक है फाइव एन साइन फाइव बाई टू ठीक है ये आपके पास है तो एक को सी मान लीजिए एक को डी मान लीजिए तो अभी मैंने आप जैसे आपको बताया तो क्या बन जाएगा साइन की फॉर्म में ये बनने वाला है ठीक है एक साइन में दोनों को ऐड करके एक साइन में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो अगर ऐसी बात हम कहेंगे तो क्या बन जाएगा अगर मैं पहले उसकी बात करूँ देखिए फाइव एंड फाइव बाई टू है तो ऐड करेंगे तो फाइव प्लस फाइव बाई टू थ्री फाइव बाई टू टू के साइन थ्री फाइव बाई टू फिर आप बात करेंगे सब ट्रक्ट करें फाइव माइनस फाइव बाई टू इट विल बी फाइव बाई टू माइनस फाइव ठीक है क्यों क्योंकि आपके पास जो चीज आई थी वो क्या निकल के आई थी इट वॉज लाइक साइन ए साइन प्लस साइन बी दाइन सी साइन डी तो साइन के साथ जो है दट इज सी और कॉस के साथ जो है दट इज डी और यहाँ कॉस के साथ आपके पास क्या रहा है दट इज फाई और साइन के साथ फाइव बाई टू तो आप क्या करने वाले हो आप जब सी माइनस डी करोगे तो एक्चुअली में फाइव बाई टू माइनस फाइव करोगे तो क्या निकल गया माइनस फाइव बाई टू एंड साइन ऑफ माइनस फाइव बाई टू इज माइनस साइन फाइव बाई टू साइन ऑफ माइनस सी टाइज माइनस साइन थीटा इसलिए आपके पास यहाँ साइन क्या बन जाएगा माइनस माइनस तो साइन साइन और फिर उसी तरीके से जब यहाँ बात करोगे ठीक है ई एज इट इज तो देख लीजिए टू फाइव प्लस फाइव बाई टू इज फाइव फाइव बाई टू और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइव बाई टू माइनस टू फाइव वो क्या बन जाएगा माइनस थ्री फाइव बाई टू And and of is so on. हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये आप end तक चीज चलाओगे तो अब देखिए sine three फाइव बाई टू पॉजिटिव साइन के साथ एंड sine three फाइव बाई टू negative साइन के साथ ये मिल रहा है हमें E multiplied है कोई बात नहीं ये क्या हो जाएगा इससे cancel हो जाएगा उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में साइन फाइव बाय टू मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ और इसमें फाइव बाई टू है पॉजिटिव साइन के साथ ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे ये भी अगले से कैंसिल हो जाएगा एंड एनसोन ऐसे बात चलती रहेगी जो कैंसिल नहीं होगा हम उसकी बात अब कर रहे हैं एक और भी चीज़ देखिएगा ई साइन फाइव बाई टू नेगेटिव साइन के साथ है और यहाँ टू ई साइन फाइव बाई टू है तो ये ये भी एक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या ये इट विल बी ई साइन फाइव बाई टू तो लास्ट में आपके पास क्या बनेगा e साइन फाइबा टू जो इन दोनों के ठीक है एडिशन से बना दाइबा टू e और आपके पास क्या बनेगा साइन टू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फाइ ठीक है मतलब लास्ट में ये वाला फैक्टर आपके पास सरवाइव करेगा ये जो है पिछले वाले से कैंसिल हो चुका होगा तो ये आपके पास सरवाइव करेगा ई e से तो मल्टीप्लाइड होगा तो वही हमने लिखा साइन टू पी माइनस वन डिवाइड बाई टू फाइव तो साइन टू पी माइनस वन डिड बाय फाइव और ई e आपने कॉमन निकाल लिया ई e कॉमन निकालते ही ये देखो साइन ए प्लस साइन बी टाइप बन गया और ये फार्मूला लगा के ये फार्मूला आपके पास जैसे है ठीक है यहां फाइ नहीं होगा इनमें आएगा ठीक है तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे ये फाइव नहीं होगा जब ये फार्मूला आप लगाएंगे फाइनली विल गेट टू साइन पी फाइव इंटू कॉस पी माइनस वन फाइव वो कैसे जब साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू होगा तो जब आप इनको ऐड करोगे ठीक है तो फाइव बाय टू और ये माइनस फाइव बाय टू ये माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फाइव ये कैंसिल हो जाएंगे टू पी डिवाइडेड बाई टू फाइव दैट मीन पी फाइव ठीक है आ जाएगा और जब a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू करोगे तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय टू जब करोगे तो आपके पास क्या बनेगा इट वुल बी टू पी जो बनेगा टू पी माइनस टू क्योंकि ये आपके पास फाइव बाई टू ठीक है माइनस साइन के साथ या प्लस साइन के साथ आप ला सकते हैं ठीक तो है तो टू पी माइनस वन डिवाइड बाई टू है तो माइनस वन बाई टू एक और आ गया तो 2p पी माइनस टू डिवाइडेड बाई टू ऐसा बन जाएगा ठीक है तो उसका जब आप टू पी माइनस टू डिवाइडेड बाई टू ऐसा करोगे फाइव साथ में तो इसका टू कॉमन आ जाएगा और पी माइनस वन फाइव ऐसा बच जाएगा तो पी माइनस वन फाइव ऐसा बच जाएगा तो लास्ट में जो रिजल्ट आपके पास अलॉन्ग एक्सिस निकल के आया वो ये निकल के आया सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन के साथ डील करूँ ठीक है ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है ठीक है इसमें भी सिमिलरली टू कॉस फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई करके मैं आगे प्रोसीड कर जाऊं तो सिमिलर फैशन में आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा यहाँ कॉस निकल के आया यहाँ साइन निकल के आएगा बस बाकी ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये ये वाला फैक्टर दोनों में क्या होगा दैट विल बी कॉमन तो इक्वेशन वन जैसे डेवलप किया उसी तरीके से आप इक्वेशन टू डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा होमवर्क रहा आपका लेकिन आप एग्जाम्स में सीधा लिख सकते हो सिमिलरली ठीक है यहाँ कॉस की बजाय आप क्या कर दोगे साइन कर दोगे ठीक है और उसके बाद आपको तो ई ER चाहिए जब ई ER चाहिए तो क्या करोगे दोनों को स्क्वेयर और एड करोगे तो यहाँ ई आर स्क्र कॉस कर बीटा प्लस साइंस कर बीटा वन बन जाएगा तो ई आर स्क्र रह जाएगा इस सारे का स्क्वायर ये दोनों में है कॉमन आ जाएगा मतलब e ये दोनों में आ जाएगा ठीक है और आपके पास कॉस बन जाएगा तो बचेगा क्या इसी का अगर बात की जाए इसी का स्क्वायर बचेगा क्योंकि वो कॉमन भी आया होगा ठीक है तो स्क्वेयरिंग और एडिंग के बाद आपके पास क्या चीज बचेगी दैट विल बी ई आर स्क्र दैट इज इक्वल टू ई स्क्स स्क् फाइव डिवाइडेड बाई है ये बचेगा आपके पास वही चीज मैंने आपको बताई है और जब आप और इसका तो ER e आ जाएगा दिस इज इक्वेशन फॉर ई आर और अगर मैं डिवाइड करता हूं ठीक है अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं तब मेरे पास क्या बनेगा मैं बाय तो बीटा 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 बाय और ये ये हो जाएगा sin P minus one जाएगा बन तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन ई आर के लिए और टेन बीटा इज दस टेन हटा दीजिए तो बीटा इज पी माइनस वन फाइव ये हो जाएगा तो बीटा और फाइव में ये रिलेशनशिप भी आपके पास डेवलप हो जाता है अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पी बहुत बड़ा हमने कंसिडर वेरी वेरी लार्ज जो पहले हम कंसिडर कर रहे थे कि भाई एक है दूसरा है तीसरा है चौथा है ठीक है इतनी ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ वेव्स है कि ऑलमोस्ट ये बिल्कुल छोटे 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 ठीक है ये ऑलमोस्ट आपके पास कर्व का ठीक है रूप ले लेंगे कर्व का फॉर्म ले लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा दिस टर्न इन टू दिस तो ये आपके पास जो पहले आप छोटे 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 कंसिडर कर रहे थे ये ऑलमोस्ट आपके पास कर् बन जाएगा तो ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है सो वेन पी इज वेरी वेरी लार्ज ठीक है देन द पॉलिगन रेड्यूस टू आर्क ओ एल पी तो ये जो आपके पास आर्क है ओ एल पी इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा और रिजल्टेंट आपके पास ओ पी ये बनेगा ठीक है तो जैसे ये बनेगा तो हम क्या करते हैं इस आग का सर्कल कंप्लीट कर देते हैं ठीक और हम इस पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ये भी एक टेंजेंट का काम कर रहा है सर्कल के लिए और ये भी एक टेंजेंट का काम कर रहा है ठीक है अगर बात की जाए तो हमने क्या किया हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एंड इट मीट्स एट पॉइंट एम अब आपके पास ये वाला एंगल बीटा है दैट यू नो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है बाय सिमेट्री ये भी आपके पास क्या होगा द सेम बीटा ठीक है अगर ऐसी बात है तो इस ट्रैंगल में अगर बात की जाए तो टोटल एंगल इज वन डिग्री अगर ऐसी बात है तो ये क्या बचेगा इट इज वन एटी माइनस टू बीटा क्योंकि ये बीटा प्लस बीटा प्लस वन एटी प्लस दिस एंगल ट विल बी वन एटी तो यह क्या बनेगा वन एटी माइनस टू बीटा ठीक है अब हम फाइनली जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो ये एंगल है ठीक है इट विल बी टू बीटा नाउ वो कैसे अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं ठीक है ये रेक्टेंगल की तो टोटल एंगल कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री अब उसमें से इतना क्या हो चुका है दैट इज वन एटी माइनस टू बीटा लेकिन ये टेंजेंट है तो ये रेडियस है ये टोटल क्या होगा 90 डिग्री ये रेडियस है ये टेंजेंट है ये टोटल क्या होगा 90 डिग्री मेरा कहने का मतलब सीधा है कि दिस इज़ 90 दिस इज़ 90 ठीक है दिस इज़ 180 एटी माइनस टू बीटा अगर ऐसी बात है 180 आपके पास ये बन गया टोटल तो ये क्या बचा इट्स टू बीटा बिकॉज टोटल हैज़ टू बी थ्री डिग्री तो एक बात क्लियर हो जाती है कि दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज़ टू बीटा अगर ऐसी बात है नौ एंगल इक्वल्स टू आर कोवर रेडियस एंगल कौन सा ये और रेडियस कौन सा ये सॉरी ah, आर्क कौन सा ओ एल पी और रेडियस कौन सा ये तो एंगल इज टू बीटा तो टू बीटा दैट इज इक्वल टू ओ एल पी आर्क ओ एल पी ठीक है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस रेडियस इज स्मॉल आर ये आप स्मॉल आर कंसिडर कर और ये ओ एल पी किसके बराबर आपने ई कितनी बार ऐड किया है पी टाइम्स तो क्या बन जाएगा पीई -E. तो टू बीटा दैट इज पीई डिवाइडेड बाय आर ये भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए तो यही चीज आपके नोट्स में है दैट टू आर इज ग्रुप पीई डिवाइडेड बाय बीटा डॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर ठीक है ऑन कोड कार्ड ओपी आप क्या कीजिए ये ड्रॉ कर लीजिए ओ एन और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा अगर ऐसी बात है तो टोटल एंगल अगर ये टू बीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बीटा अब इस ट्रायंगल ओ सी एन ओ इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं ठीक है दिस एंगल इज बीटा करेक्ट दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो मेरे पास सब क्या बनेगा दिस ओ एन डिवाइडेड बाय आर ठीक है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटन बन गया बिकॉज दिस इज एंगल बीटा ओ एन डिवाइडेड बाई आर दाइन बीटा तो दिस ओए बी आर साइन बीटा ठीक है और ओ पी किसके बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ओ एन सिमेट्री है क्योंकि तो आपके पास क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ एन और ओ एन किसके बराबर है आर साइन बीटा इट विल बी टू आर साइन बीटा ओपी विल भी टू आर साइन बीटा so OP is टू ओ ठीक है ON अलग से निकाला r साइन बीटा तो it will be ON की वैल्यू सब्सूट की r साइन बीटा it will be टू आर साइन बीटा ठीक है अब अगर मैं OP की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा उसमें आप क्या कीजिए इस OP को बताने के लिए 2r की वैल्यू सब्सूट कर दीजिए विच इज PE डिवाइडेड बाय बीटा अभी आपने बताया था ठीक है कि टू आर इज पी ई डिवाइडेड बाय बीटा और जैसे आप ये सब करेंगे तो क्या बनेगा पी ई साइन बीटा डिवाइडेड बाय बीटा ठीक है और ओ पी आपके पास है क्या है ओ पी इज रिजल्टेंट दिस इज ई आर तो इट्स नथिंग बट इट्स ई आर विच इज पी ई डिवाइडेड बाय बीटा साइन बीटा ठीक है तो ई ER आर की वैल्यू हमें बन जाती है और पी ई अगर बात की जाए ई e, ई e, e सब के ऐड कर लीजिए इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता इसलिए आपने इसको क्या क्या किया ई नॉट कर दिया तो ई नॉट साइन बीटा डिवाइड डिवाइडेड बीटा एंड दैट इज इक्वल टू ई आर और फिर इंटेंसिटी की बात की जाए इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्र ऑफ एम्पलीट्यूड और ई ER आर आपके पास ये ER आ चुका है तो जो भी E नॉट स्क्र बनेगा कारस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कारस्पॉन्डिंग बन जाएगा एंड साइंस कर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्यर बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्र ऑफ द एम्पलीच्यूड तो एम्पलीच्यूड आपके पास ये इसका स्क्वेयर कीजिए ई नॉट स्क्यर साइंस कर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा और कॉन्सटेंट प्रोपोर्शनलिटी के है तो के ई नॉट स्क्र दैट इज आई नॉट ठीक है इंटेंसिटी का वेरिएशन आप इस तरीके से बता देते हैं तो इस लेक्चर में इतना बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ इंटेंसिटी के बारे में बात इतनी हो गई